बीते कई वक्त से वडोदरा शहर में से धर्मांतरण के कई केस सामने आ रहे हैं। दरअसल शहर में ऐसी कई संस्थाएं कार्यरत है जो धर्मांतरण करवाती है, ऐसे आरोप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं और उसी के चलते इन संस्थाओं के सामने शिकायत भी दर्ज की गई है। ऐसे में आज धर्म जागरण समन्वय से जुड़े हुए लोग जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उनकी ओर से इस मामले में आवेदन पत्र देते हुए ये मांग की गई कि ऐसी संस्थाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। छेल्ला घणा समय थी आप जोई रह्या छो वडोदरा नगरी ना संस्कारी नगरी तरीके नी छाप एनी गरिमाई रही छे। વડોદરાના અંતર્ગત છેલ્લા એક વર્ષમાં આપે જોયા હશે કે વિવિધ પ્રકારના ધર્મ પરિવર્તનના ગુનાઓ દાખલ થયા છે, ચાહે પછી એ નવા યાર્ડનું કાવતરું હોય કે પછી કોઈ સરકારી આંગણવાડીના અંદર ધાર્મિક પુસ્તકો મળ્યા હોય કે પછી હાલની ઘટના એટલે કે ગઈકાલે જે મકરપુરાના અંતર્ગત મધર ટેરેસા આશ્રમ આવેલું છે એ સેવા આશ્રમની ઓથા હેઠળ નાના નાના અબોધ બાળકીઓનું ધર્મ પરિવર્તનનું કાવતરું ચાલતું હતું। तो आवी जितली भी आवी सेवाना नाम पर चालती विधर्मी प्रवृत्तिओ होय एना पर अंकुश आवे अने जो कोई खोटू करतो होय तो एने केम सजा आपवामां आवे छे भारतीय संविधानना अनुरूप। तो एवी रीतना आवुं जे खोटी प्रवृत्तिओ चलावे छे अने जो साबित थाय छे एमना पर गुनो दाखल करवामां आवे छे तो आवी संस्थाओनी कायमी नोंधणी रद्द करवामां आवे, ए ज अमारी मांगणी छे। सरकार खूब सारूं काम करी रह्युं छे अने अमे एना माटे ज अहीं आया छे कि सरकार पासे आशा रखे छे कि एमनी कायम माटेनी जे नोंधणी छे रजिस्ट्रेशन ए रद्द करवामां आवे। समाज में आवी खोटी संस्थाओं रहेशे तो समाज में क्यारे समाजनो विकास नहीं थाय। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।